हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ माय पोस्ट पैकअप स्किन केयर रूटीन। मैं यहाँ पर पहले ज्वेलरी को निकाल रही हूँ, फिर मैंने बिंदी भी अप्लाई किया था उसे भी निकाल दिया, फिर मैं अपने मेकअप को रिमूव करूँगी, जिसके लिए मैं यूज़ करती हूँ प्लम का ई ल्यूमिनेंस जो क्लेंजिंग बाम है। ये आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही कम क्वांटिटी बचा हुआ है। सो दिस प्रूव्स माई लव टुवर्ड्स दिस क्लेंजिंग बाम। दिस इज सो मच अमेजिंग प्रोडक्ट, क्योंकि ये आपके मेकअप को देखिए जस्ट मेल्ट कर देता है कितने अच्छे तरीके से। इसे जस्ट आपको अपने फेस पर अप्लाई करके इस तरह से मसाज करना है। इससे ना वाटरप्रूफ मस्कारा भी इजीली रिमूव हो जाता है। आप इसे कॉटन से भी वाइप कर सकते हैं, बट मैं अपने फेस पर कॉटन ज़्यादा रब नहीं करती, बिकॉज इट अल्टीमेटली लीड्स टू रिंकल्स एंड बहुत ज़्यादा फेस पर मेरे रैशेज भी आ जाते हैं ज़्यादा मैं अगर रफली या हार्शली उसे रब करूँ तो। इस क्लेंजिंग बाम को ही मैं अच्छे से मसाज कर लेती हूँ एंड नॉर्मल पानी से वॉश कर लेती हूँ। नॉर्मल पानी से ना जब आप वॉश करोगे तो थोड़ा सा सर्क्यूलर मोशन में मसाज करना, उससे पूरा क्लीन हो जाता है। एज यू ऑल कैन सी, मस्कारा, आई शेडो, फाउंडेशन सब क्लीन हो गया। जो थोड़ा बहुत भी रह गया है ना, वो ये जो सेकंड प्रोसेस है जो कि फेस वॉश, इससे रिमूव हो जाएगा। ये है जैन एंड माइजा का विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश। इसमें जो ब्रिसल्स है वो सॉफ्ट ब्रिसल्स है, बट माई स्किन इज एक्स्ट्रा सेंसिटिव, तो मैं ये ब्रिसल्स सिर्फ वीकली एक बार ही इस्तेमाल करती हूँ, उसे मसाज करती हूँ। बट जनरली मैं जब इसे ट्वाइस इस्तेमाल करती हूँ ना पूरे दिन में, तो मैं सिर्फ इसे अपने फिंगर टिप से हल्के हाथों से मसाज कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ब्रिसल्स अगर मैं मसाज करूँगी डेली बेसिस पर टू टाइम्स अ डे तो फेस पर रैशेस एंड ऑल हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं सिर्फ फिंगर टिप से मसाज कर लेती हूँ एंड आई ऑलवेज डबल क्लेंज माई फेस। पहले मैं एक क्लेंजर इस्तेमाल करती हूँ, उसके बाद में फेस वॉश इस्तेमाल करती हूँ एंड नाउ माई फेस लुक्स सो क्लीन। और ये जो आपको प्रोसेस है ना, ये हमेशा फॉलो करना है। डबल क्लेंजिंग प्रोसेस कैन चेंज योर स्किन केयर गेम इंटायरली। फिर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक फेस पैक, ये है इकाई का चॉकलेट फेस पैक एंड आई लव दिस फेस पैक। ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी कंसिस्टेंसी का है एंड स्मेल्स हेवन। दिस फेस मास्क इज रियली इफेक्टिव एंड इट कैन बी यूज बाई मैन, वुमन एंड ऑल्सो टीनेजर्स। जस्ट अप्लाई इवन लेयर्स ऑफ दिस फेस मास्क ऑल ओवर योर फेस एंड नेक एंड जब ये सेमी ड्राई हो जाता है लाइक 70% ड्राई, उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। रिजल्ट आप लोगों के सामने है, फेस को ब्राइटन क्लीन कर देता है, फ्रेश लुक भी ऐड करता है। नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग जैन एंड माइजा विटामिन सी फेस सीरम। दिस इज माय करंट फेवरेट फेस सीरम बाय द वे। इट मेक्स योर फेस वेरी ग्लोइंग एंड ड्यूई। एट द सेम टाइम ना ये फेस को हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है और बहुत अफोर्डेबल होने के साथ साथ लाइट वेट भी है एंड कैन बी यूज बाय एनीवन एंड एवरीवन। डू नॉट फॉरगेट योर नेक। जो भी आप फेस पर अप्लाई कर रहे हैं, मेक श्योर यू आर पुलिंग दैट प्रोडक्ट डाउन टू योर नेक एज वेल एंड अपने हैंड्स पर भी अप्लाई करें ताकि हैंड्स भी सॉफ्ट रहे। नेक्स्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ गार्नियर का ये डे क्रीम। ये जो क्रीम है ना, ये मुझे पीआर में रिसीव हुआ था एंड आई एम नॉट दैट बिगेस्ट फैन ऑफ दिस क्रीम, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा वाइट कास्ट छोड़ता है। दिस इज नॉट अ सनस्क्रीन, दिस इज जस्ट नॉर्मल क्रीम। स्टिल इट प्रोवाइड्स अ लिटिल बिट ऑफ वाइट कास्ट जो कि सेटल डाउन हो जाता है आफ्टर फ्यू सेकेंड्स ऑफ अप्लाइंग दिस क्रीम एंड मसाजिंग इट वेरी नाइसली। मसाज इज रियली इंपॉर्टेंट। आप जब भी क्रीम को अप्लाई करें, यू जस्ट मेक श्योर टू हल्के हाथों से आप मसाज करें अपने फेस एंड नेक को एंड यू कैन सी द ग्लो ऑन माई फेस। नेक्स्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ विश केयर का इनविजिबल जेल सनस्क्रीन। दिस इज माई पर्सनल फेवरेट एंड यू ऑल शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन एटलीस्ट वंस, बिकॉज दिस डज नॉट प्रोवाइड एनी वाइट कास्ट और ग्रे कास्ट, बट एट द सेम टाइम ये आपके फेस को हाइड्रेशन, ग्लो एंड हाई रेंज ऑफ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। सो दिस इज अ मस्ट हैव फॉर दिस समर सीजन। इकाई का ये जो लिप मास्क है, इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड दिस स्मेल्स लाइक बिग बबूल। अगर आपने बिग बबूल बचपन में खाया है, देन दिस इज गोइंग टू बी योर फेवरेट लिप मास्क। मेरा तो अभी फेवरेट बन चुका है, बिल्कुल बिग बबूल जैसा इसका टेस्ट है एंड डेफिनेटली ये आपके लिप्स को ना बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज रखता है। यू ऑल कैन सी माई फेस इज लुकिंग सो हेल्दी, ग्लोइंग, एकदम अंदर से ग्लो आ रहा है। और इस तरह से अगर आप दिन में दो बार अपना स्किन केयर रूटीन प्रॉपरली फॉलो करते हैं, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, देन एक हफ्ते में ही आपको डिफरेंस नजर आएगा। सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है। आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं, डेफिनेटली यू कैन चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो या लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।